नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान के कला और संस्कृति जगत को समर्पित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम रंग रंगीला राजस्थान में, और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं इन सभी आयोजनों से जुड़ी हुई कुछ खास झलकियां। निर्माता, निदेशक और अभिनेता प्रवीण हिंगोनिया अपनी आने वाली फिल्म नवरस कथा कोलाज के प्रमोशन के लिए राजधानी जयपुर पहुंचे। जयपुर में होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित किया, साथ ही जयपुर के किड्स पैराडाइज स्कूल में बच्चों से भी मुलाकात की। अभिनेता प्रवीण हिंगोनिया ने अपनी आने वाली फिल्म नवरस कथा कोलाज में एक ही फिल्म में ढेर सारे किरदार निभाए हैं। प्रवीण हिंगोनिया ने एक दो नहीं बल्कि 9 चैलेंज भरे किरदार निभाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। प्रवीण हिंगोनिया ने बॉस्टन में भी अवार्ड जीता है और इन दिनों वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा पर निकले हैं। यात्रा के तहत प्रवीण हिंगोनिया राजधानी जयपुर पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने फिल्म से जुड़े अनुभवों को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि हिंदी फीचर फिल्म नवरस कथा कोलाज अलग ढंग से प्रचार पूरे देश में किया जा रहा है। फिल्म ने रिलीज से पहले 58 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। फिल्म 18 अक्टूबर 2024 को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म में प्रवीण हिंगोनिया के अलावा शाजी चौधरी, दयानंद शेट्टी, रेवती पिल्लई, सुनीता, महेश शर्मा, प्राची सिन्हा जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है। स्वर ध्रुपद प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्माता एस के एच पटेल और प्रवीण हिंगोनिया है, जबकि सह निर्माता अभिषेक मिश्रा है।